बच्चों से एक दिन पहले मैं अपने कपल से गुस्सा हूँ। इंग्लिश में ऐसे किस लिए गुस्सा है? गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका आशीष अक्षर व्लॉग चैनल में। तो गाइज आज की व्लॉग की शुरुआत होती है, भाई मेरे को घर से बाहर निकाल दिया है। मम्मी ने बोला है कि आज भाई रंग नहीं किया तो घर के अंदर मत आना, नाश्ता भी नहीं मिला। आज का व्लॉग कुछ सस्पेंस से भरा हुआ है गाइज, तो बने रहना आज के व्लॉग में। भाई सारी की सारी स्टेयर्स भी कर दिया मैंने, बाहर भी कर दिया। आज पूरा पेंटर बन रखा हूँ भाई, मैंने मेरा आर्ट दिखाया है। अब मैं अलग से आर्ट चैनल भी खोलूंगा भाई, पहले ये तो सक्सेस हो जाए। तो गाइस फाइनली मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ, और अक्षय भी इधर पूजा कर रहे हैं। तो जैरी देखो भाई आराम से आज इसको बांधा है, सारा का सारा कलर खराब कर देगी। और ये देखो भाई इसने अपने पैरों पर तो लगा ही लिया कलर। तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ उधर से मनीष भैया के घर से कार, वहाँ पे पार्क करता हूँ मैं कार को, और उसके बाद में अपनी कार को मैं लेके जाऊंगा मार्केट में। तो आज पिंकू को थोड़ी बहुत और शॉपिंग करनी है, वो करवानी है, और कुछ इसकी मेहंदी लगाने के लिए यहाँ पे घर पे लड़की आ रही है, मतलब जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं वो आ रही है। तो अभी इसके सारी मेहंदी, तो आज पिंकू कौन सी मतलब कौन सी मेहंदी लगवाने वाली है जाना? आज कौन सी नहीं अभी बताओ कौन सा डिजाइन है। यार नाराज हो चुकी है क्योंकि आज मैंने इसकी बात नहीं मानी। क्या हो गया? शादी करने के बाद में भाई बीवियों के नखरे ये अलग हो जाते हैं। पहले तो कहते हैं भाई हम आपकी सारी बातें मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, उसके बाद मैं और पिंकू जाएंगे मार्केट में। और अभी आपके भाई का हेयर स्टाइल थोड़ा थोड़ा ठीक होता जा रहा है क्योंकि मैं पापा से हेयर कट करवाने लग गया हूँ। कर्टन बिछा रहे हैं, कर्टन होते हैं ये, क्या होते हैं पिंकू? ये मेरा बोला देवर। तो गाइज अभी घर से निकल चुके हैं मनीष भैया के घर के लिए। तो मनीष भैया के घर पे हम क्यों जा रहे हैं? अपनी धन्नो खड़ी है भाई, अपने भाई की गाड़ी। मनीष भैया के घर पे पहुंच चुके हैं, और ये अपनी धन्नो खड़ी है, और मनीष भैया इधर होंगे रूम में, अपने इसी रूम में रहते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अपने चैनल का नाम आशीष अक्षय व्लॉग्स, और ये चेक करो हिंदू हमारे साथ इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे ऐड है, उनको तो ये पता लग ही गया होगा। और यूट्यूब पे ये पहली बार दिखाया है कि हमने ये गाड़ी पे नाम वगैरह लिखवाए हैं। और ये खड़ी अपनी कार, कैसे लग रही है भाई? इसका अंदर से ना सीट कवर वगैरह चेंज करवा देंगे, एक बार थोड़ा सा चलाते हैं गाड़ी को। भाई गाड़ी में इतनी ज़्यादा मतलब वो बोलते हैं ना गर्मी से फर्स्ट क्वेश्चन Suffocation. रुक जा। स्विफ्ट डिजायर का ना एसी है ना जो भाई साहब सिर्फ 10 सेकंड के अंदर कूल कर देता है। तो गाइस अभी पिंकू आ रही है। गाइस अभी हम निकल चुके हैं, मेरी साड़ी लेनी है और मेहंदी के कोन वगैरह, और मैंने सूट बनने के लिए दिया हुआ था तो वो मेरे को कल पहनना है। कल पहनूंगी अगर हो सका तो, नहीं तो फिर जो थूक 2-4 दिनों बाद में एक और फास्ट आता है तब पहनना है मेरे को, तो वो भी लेके आना है। और जो लड़की मेहंदी लगाएगी उसको भी लेके आना है, तो भी जो, और जो शाम को गेस्ट आने वाले, गेस्ट नहीं बहुत स्पेशल वाले गेस्ट हैं, और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल वाले हैं। तो मेरे लिए नहीं है भाई, अभी इसी बात पे लड़ाई हो जाएगी पिंकू। तो भाई कितनी संकरी गलियां हैं यार मार्केट में भी। तो अभी इधर जाना है क्या आगे? तो ये हमारे उधर वाले घर की तरफ जाती है रोड। तो गाइस अभी कहाँ पे आ चुके हैं अपने? अभी जो मैंने सूट बनने के लिए दिया था ना वो लेने आए। तो गाइस अभी पिंकू तो जा चुकी है सूट लेने के लिए, और भाई अंदर से तो मैंने पूरी साफ करवा रखी है गाड़ी। फ्रेग्रेंस वाला है ये, और एक ये फ्रेग्रेंस वाला लगा रखा है, पर मेरे को इसकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छी नहीं लगी गाइस लिटरली। और हमारे गणपति बप्पा, और ये है कुछ पीछे की सीटिंग जो कि आपको अलग से एक वीडियो आएगी यार, अभी उसको शूट करने का ही टाइम नहीं मिल रहा। और ये अपनी यहाँ पर गाड़ी के ऊपर स्ट्रैप वगैरह की हुई है अच्छे से, और यहाँ पे थोड़ी सी वुड फिनिश मिल जाती है जो इस गाड़ी को और ज्यादा निखारती है। तो गाइस फाइनली पिंकू आ चुकी है, कैसे लग रहा था सूट? ट्राई करो। अरे वो उन्होंने कहा ना कि आप एक बार ट्राई करके मेरे को दिखा दो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लूज अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत कुछ लग रहा है। रेड कलर का सूट है ना, मतलब उसमें इतना कलर भी फेयर लग रहा है ना, मतलब मस्त है। तो अभी फ्रेम सिलेक्ट हो गया। तो गाइस फाइनली हमने ये कौन ले लिया है, पहले ना ऐसे करते हैं इधर वाली साइड जाके ही मेरे को साड़ी लेनी है, मैंने मेरी साड़ी दी हुई है प्रेस करने के लिए। तो गाइस फाइनली हमने फिर गाड़ी रोक दी है एक जगह पे, पहले तो वहाँ पे पार्किंग नहीं मिली। बाइक ही अच्छा था, बाइक ही अच्छा था, सही है ना? तो अभी हम जा रहे हैं एक स्वीट शॉप से, वहाँ से स्वीट्स वगैरह लेनी है। भाई इधर देखो पार्किंग का यार कितना दिक्कत आ रही है भाई, पार्किंग की जगह ही नहीं है। गाइस फाइनली हमने स्वीट्स तो ले लिया। गाइस अभी कार ले ली है, बट मेरे को इसका ना कोई फायदा नहीं लग रहा,
खास करके इस भीड़ वाले टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं ना, मतलब आधी से ज्यादा जगह तो पैदल ही जाना पड़ रहा है। मैं अभी कार में बैठी हूँ और मैंने इनको भेज दिया है चाचा बेकरी वाली शॉप पे बेकरी वाले बिस्किट लेने के लिए और मिक्सचर लेने के लिए और मेरे लिए फ्रूटी लेने के लिए, क्योंकि मेरे को कार में बैठे बैठे ना बहुत गर्मी लग रही है। ये वाली नहीं, बोतल वाली ले लिया क्या? फ्रूटी लिया मेरे लिए? आजा बेटा मेरे काम। वेरी गुड, गुड गर्ल। क्या ड्राइविंग करनी है जारी तेरे को? यार देखोगे मैं इसको बड़ा शौक होने लग गया ना। बैठी रह, उल्टी आने लगी, कुछ नहीं खाया। तो गाइस अभी जेरी भी हमारे साथ में जा रही है। वेरी गुड, जेरी को अंदर बिठा दिया है। जेरी देखो क्या कर रही है, जेरी क्या कर रहे हो? तो अभी डीजल डलवा रहे हैं। तो गाइस फाइनली डीजल भी भरवा लिया और पेट्रोल भी ले लिया और बॉयज सो रहे, बॉल ही बॉल कर दिया गाड़ी में। भाई क्यों लेके आया भाई इसको? भाई जेरी को ला के बहुत बड़ी गलती कर दी है, पीछे वाली सीट पे बाल ही बाल कर दिए हैं और यहाँ पे भी बाल ही बाल हो रहे हैं। गाड़ी अच्छे से वॉश करनी पड़ेगी। तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं, फ्रेम वगैरह निकालते हैं, जेरी को नीचे उतारते हैं। तो गाइस यहाँ पे पिंकू लगा रही है मेहंदी। तो पिंकू यहाँ पे खा रही है खाना। क्या खा रहे हो? कोशिश कर रही हूं खाने की फिलहाल तो। किधर मम्मी ने मेरे लिए भी खाना ला दिया है, मेरे हाथ वाली मेहंदी बना दी हो। भाई जेरी देख कैसे सो रही है, और पिंकू ने अपने हाथ देखो गाइस कैसे कर रखे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ जो अपने स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं उनको लेने के लिए। और ये देखो भाई ये भी पूरा साफ हो चुका है, ये देख सकते हैं उनके आने की खुशी में। और ये देखो भाई ये फ्रेम कितना अच्छा लग रहा है ना। तो गाइस कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना। फाइनली जो गेस्ट आने वाले थे गेस्ट आ चुके हैं, रसगुल्ले भी आ चुके हैं, रसगुल्ले भी आ चुके हैं। चलते हैं बड़े पापा बड़ी मम्मी से मिलाते हैं जो जिनका वेट सुबह से हो रहा था। तो चलो चलते हैं। तो सुबह से इन्हीं का वेट हो रहा था तो आप लोगों को बताया नहीं था ना, तो ये सरप्राइज था आज का। देखो नाश्ता वगैरह तो करवा दिया है, अभी बस डिनर का टाइम हो चुका है, अभी डिनर करेंगे। और मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं गरम गरम चपाती और पिंकू यहाँ पे कंफ्यूज हुई पड़ी अभी, मैं करूँ क्या? कैसे लगी है? मैंने लगाई अभी, मतलब इतनी डार्क क्यों नहीं हुई? मतलब मैं प्यार नहीं करता। ये वाली चीज कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि पहले लगा लेती सूखती नहीं, फिर मेरे को काम भी करना था। दादा दादी आने वाले थे और दादा दादी फर्स्ट टाइम आए हैं घर पे शादी के बाद में, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो गाइस फाइनली मम्मी पापा जा चुके हैं और अभी मैं छोड़ के आया हूँ, जस्ट मैं नहाया हूँ और उसके बाद भाई माऊँ और बिल्ली। कल है करवा चौथ का व्रत तो पिंकू रखेगी, और करवा चौथ से एक दिन पहले मैं अपने कपल से गुस्सा हूँ। क्यों, किस लिए गुस्सा हुआ? मैं लड्डू मेरे लिए मेरे से किस लिए गुस्सा है, किस लिए गुस्सा है? अपने पत्नियों के लिए और जो पत्नियाँ अपने पति के लिए व्रत रखेंगी उन सबको कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। यार प्यार जरूरी होता, व्रत से जितता है जाए प्यार वैसे ही बहुत होता है। अब ये व्रत रखती है मेरे को प्यार नहीं करती गाइज, ये सारा दिन मेरे पे लगती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय।